उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ये लड़की ना, ये सत्यम कौन? अच्छा दोनों में और फिर करा लेते हैं जल्दी। आप दोनों लोग के पास है, दोनों लोग बैठा जाओ। दो लोग नहीं, एक सवाल पूछता हूँ, जो दोनों से पहले बताएगा उसको बैठा दिया। ठीक है, इन दोनों केवल दो ही बोलेंगे। हाँ, भारत में कितने राज्य हैं? 28। चलिए, हाँ 10-15 मिनट लग जाएगा। आखिरी खत्म करेंगे, खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए, तो क्या नाम बेटा आपका? अर्पिता। अर्पिता वर्मा। अर्पिता वर्मा जी, खेल के नियम आपको बता दूं कि अभी हमारे पास 10 सवाल है, 10 सवाल पे आपको मिलेंगे 100 रुपए, हर सवाल पे 10 रुपए, हर सवाल पे 10 रुपए, ठीक है। और आपके पास अगर सवालों के जवाब नहीं होंगे तो आपको 3 लाइफलाइन दिया जाएगा, ठीक है। पहला लाइफलाइन आपका है ऑडियंस बोल, हाँ जो बैठा उसे पूछ सकती है। दूसरा हमारे सर में है, उसे आप पूछ सकते हैं। और तीसरा 50-50, ठीक है। चलिए चलिए, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। चलिए, ठीक है, चलो बेटा जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, 10 मिनट में। देखो, व्हाट इज द राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द अंडरलाइन वर्ड? वहां पे, यहां पे देखो, वहां पे देखो, तो अंडरलाइन जो वर्ड है, ठीक है, ALMIGSTY, इसका सही जो उच्चारण है वो क्या होगा? अलमिटी, आलमाइटी, आलमिटी, अलमटी, आलमाइटी। कंफर्म है? लॉक कर दें, कंफर्टेबल है? ऑप्शन नंबर बी लॉक किया जाए, सही जवाब, क्या बात। चलिए दूसरा सवाल, जग जीवन में जो चिर महान, सौंदर्यपूर्ण और सत्यवान, इन पंक्तियों में चिर का क्या अर्थ है? इन पंक्तियों में चिर का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए चिर देने वाला, ऑप्शन बी फाड़ देने वाला, ऑप्शन सी अल्पकालीन, ऑप्शन डी दीर्घकालीन। नहीं आएगा तो है लाइफलाइन, चिंता ना करिएगा। नहीं मालूम है ना, कोई बात नहीं बेटा। तो क्या करते हैं, लाइफलाइन आपके पास 3 है, ऑडियंस, हमारे एक्सपर्ट सर, और 50-50, क्या लेंगे आप? ऑडियंस। तो ऑडियंस से मैं पूछना चाहूंगा कि जो चिर शब्द है उसका क्या अर्थ है? चिर देने वाला कितने लोग है? चिर का अर्थ, चलिए एक लोग है। ऑप्शन बी फाड़ देने वाला, कोई नहीं। ऑप्शन सी अल्पकालीन, हो गया आप, चलिए आप, ऑप्शन डी, ऑप्शन ठीक है, ठीक है। ऑप्शन डी दीर्घकालीन, कितने लोग हैं? तो ऑप्शन डी दीर्घकालीन लगभग 100% है, तो जाएंगे। तो ऑप्शन डी दीर्घकालीन लॉक किया जाए, सही जवाब, क्या बात है। अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, सुल्तान घोड़ा बाबा भारती का था, खड़क सिंह उसको पाना चाहता था, यह डाकू जो चाहता था वह हड़प लेता था। अब खड़क सिंह क्या था? लालची था, झूठा था, चालाक था, डाकू था? डाकू। कंफर्म है? लालची भी तो सकता है, पाना चाह रहा है, हड़प लेना चाह रहा है, तो डाकू भी है। डाकू भी है, कंफर्म है? लॉक करते हैं, चलिए सही जवाब, क्या बात है। आइए अर्पिता जी, अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, तुम्हारा कठिन सवाल। असम इज सराउंडेड बाय द स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एंड मेघालय। अब सवाल क्या है देखिएगा, असम इज नॉट सराउंडेड बाय त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, झारखंड। एक लाइफलाइन आप इस्तेमाल कर चुकी हैं, तो हिंदी, अच्छा चलिए मैं बता दे रहा हूँ, जो असम है वह भिन्न भिन्न राज्यों से घिरा हुआ है। कौन किन किन राज्यों से? अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, मिजोरम से, नागालैंड से, त्रिपुरा से और मेघालय से।
अब ये पूछ रहा है कि अरन असम जो है वो किससे नहीं घिरा हुआ है, त्रिपुरा है, मेघालय है, मणिपुर है, झारखंड है, ये पढ़ो इसमें ही जवाब मिल जाएगा तुमको। अगर नहीं भी आता है तो लाइफ लाइन है झारखंड, कंफर्म। चलिए तो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर डी लॉक किया जाए, झारखंड सही जवाब। क्या बात है, तो ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जवाब मिल जाएगा एकदम स्कूल से, धैर्य से, मिशन के साथ, बिना डरे हुए खेलना है, ठीक है। चलिए अर्पिता जी अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर यह रहा, संविधान के 86वें संविधान संवैधानिक संशोधन से 21 कौ में शिक्षा का मूल अधिकार बना, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को के लिए यह उपबंध है। अब सवाल क्या है, किस वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए 13 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 15 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। 14 कंफर्म है, 6 साल भी चलना चाहिए। क्या करें, लॉक करें? हाँ। कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर बी 14 वर्ष लॉक किया जाए, बिल्कुल सही जवाब। क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत ही चतुराई के साथ अर्पिता जी भी खेल रही हैं। आइए छठा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, अर्पिता जी ये रहा, यहां भी कर दो। हाँ, फुल स्केल कागज पर कार्बन लगाकर हाथ से लिखा गया साप्ताहिक धमाका का पहला अंक सभी ने सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर पाया। अब साप्ताहिक धमाका क्या था, बम था, पटाखा था, अखबार था? अखबार। इनमें से कोई नहीं, अखबार। अरे वाह, आपने तो ऑप्शन सुनने से पहले बता दिया, क्या बात। लड़ा किताब पढ़ी है आप, ये पढ़ा गया ना, हाँ ये पाठ पढ़ाया गया है, बहुत अच्छी बात है। तो देखते हैं, वाह सही जवाब, क्या बात है। 6 सवाल 60 रुपए आप जीत चुके हैं, अंतर क्या करेंगे आप 60 रुपए का? मैं कॉपी खा दूंगी और पेन। चॉकलेट नहीं खाएंगी? नहीं। मिठाई नहीं खाएंगी? मेरे पास है। है? अरे वाह क्या बात है, क्या बात, बहुत बढ़िया। तो चॉकलेट मिठाई है, कॉपी नहीं है, कॉपी खरीदेंगे, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी सोच है। आइए अगला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, मॉरिशस वह देश है जहां की राजधानी, सब किताब से ये बेटा डरना मत, याद रखो, मॉरिशस वह देश है जहां की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद व बंबई है, वहां एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। काशी मोहल्ला कहां स्थित है, हैदराबाद में, बंबई में, मद्रास में, मॉरिशस में? मद्रास में। पहले सोचो, ठीक है, अगर आपके पास जवाब नहीं आता है तो लाइफलाइन है, लाइफलाइन का भी इस्तेमाल कर सकती हो। अभी 7वां सवाल है, 3 सवाल बचा हुआ है, 2 लाइफलाइन बचा हुआ है, क्या करोगी, घर ले जाओगी लाइफलाइन? ध्यान से पढ़िए और उसके बाद नहीं आता है तो लाइफलाइन ले लीजिए, क्या दिक्कत है, हड़बड़ाओ नहीं। मॉरिशस वह देश है जहां की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद व बंबई है, वहां एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। ये भी हिंदी किताबें है, है ना? नहीं आता पूछ लो, कोई बात नहीं, दो लाइफ लाइन है, 50-50 और एक्सपर्ट। पूछेंगे सर। पूछो, अच्छा ठीक है, चलो ये बिटिया अब लाइफ लाइन का इस्तेमाल लेगी, कौन सी लाइफ लाइन, 50-50 या एक्सपर्ट एडवाइस? एक्सपर्ट एडवाइस आप लेंगी। तो एक बार फिर किए तब हमारे जिला विशेष शिक्षा अधिकारी श्री आशीष सिंह के हाथों में गई है, अब देखते हैं वो क्या जवाब देते हैं। मॉरिशस वह देश है जहां की राजधानी पोर्ट लुई की गलियों के नाम कलकत्ता, मद्रास, हैदराबाद व बंबई है, वहां एक पूरे मोहल्ले का नाम काशी है। काशी मोहल्ला कहां स्थित है, हैदराबाद, बंबई, मद्रास और मॉरिशस? ऑप्शन डी मॉरिशस। जाएंगे उनके साथ? कंफर्म है? मुझे भी यही लग रहा था। अच्छा, वो तुमको भी यही लग रहा था, लेकिन वो विश्वास नहीं था ना? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सर ने आपकी हेल्प कर दी है, कोई बात नहीं। तो कंप्यूटर महोदय ऑप्शन नंबर डी मॉरिशस लॉक किया जाए, सही जवाब। क्या बात है, वाह बहुत अच्छा बेटा। हाँ सर, थैंक यू बोल दीजिए। थैंक यू सर। चलिए ताली ताली सर के लिए। अगला सवाल
आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा। ध्यान से, एक लाइफ लाइन और बची हुई है और सवाल आपको बताने तीन, तो ध्यान से खेलिएगा। वायुमंडल के 100% गैसों में, वहां भी जरा दो, वायुमंडल के 100% गैसों में 78% नाइट्रोजन है, 1% अन्य गैसें हैं, तथा बाकी ऑक्सीजन कितना परसेंट है? 21। कैसे लगाई हो, याद है कि जोड़ी घटाई हो? नहीं, वैसे ही कहा। अच्छा, वैसे ही कह दियो, याद था कि कन्फर्म। देखो, अगर गलत हो जाएगा तो 200 चली जाओगी, और गलत नहीं होगा तो भाई सब 80 बच जाओगी। 21 ही होगा। चलिए, कंप्यूटर बोल रहे बिटिया में आत्मविश्वास है और ये कह रही नहीं 21 ही होगा, हम भी देखते हैं 21 है कि कितना है। अरे जी, कैसे, क्यों 21? 78 था ये, 100 था, 1 था। सही बात, क्या बात, डर गई, डर गई ना? कोई बात नहीं, डरते नहीं बेटा, 21 सही था तुम्हारा जवाब, ठीक है? और डरो नहीं, अभी 2 सवाल और है, ठीक है? चलिए अगला सवाल, 80 रुपया आप जीत चुकी हो, 90 रुपए के लिए अगला सवाल। कंप्लीट दिस फेमस सेंटेंस, हॉनेस्टी इज द बेस्ट, ये भी तुम्हारी किताब से है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट, ऑप्शन ए रिवार्ड, ऑप्शन बी गिफ्ट, ऑप्शन सी पॉलिसी, ऑप्शन डी स्पीच। हॉनेस्टी इज द बेस्ट, अच्छा जी, ईमानदारी है एक बहुत अच्छी डैश है, ईमानदारी बहुत अच्छी, मतलब रिवार्ड मतलब तोहफा है, गिफ्ट मतलब भी तोहफा तरीके से, पॉलिसी मतलब नीति है, और स्पीच मतलब कोई बात है या कोई भाषण है। हॉनेस्टी इज द बेस्ट स्पीच, एक लाइफ टाइम है, गलत होगा तो फिर चली जाओगे 10 रुपए पर, मैं पहले बता दे रहा हूँ। एक बार ध्यान से समझदारी के साथ खेलो, समझदारी के साथ, ऑनेस्टी इज द, बोलो स्पीच भाई लगाइए। 80 रुपए जीत चुकी हो, नहीं आ रहा है गेम छोड़ दो, कदम नहीं खेलेंगे हम, 80 रुपए लेके जाओ कब तुम ना, या फिर एक लाइफ लाइन है वो भी इस्तेमाल कर लो, वो भी यूज कर लो, एक लाइफ लाइन इस्तेमाल करो, आखिरी जो बची हुई है तो वही कर ले। चलो ठीक है, तो हम क्या कर दिए, 50-50 तुमने, तुम्हारा तुमको मैं दे रहा हूँ, तो गिफ्ट और स्पीच हट गया, ये दोनों हट, ये दोनों गलत था, अब इन दोनों में से बताओ, रिवार्ड और पॉलिसी में से बताओ। एक बार इसका इंग्लिश बता, ईमानदारी एक बहुत अच्छी रिवार्ड मतलब एक गिफ्ट तरीके का तोहफा समझो, और एक पॉलिसी मतलब नीति, है ना? अब सही आई, गलत जा रही थी, सीधे 10 रुपए चली जाती, हमने तुमको तुम्हारी थोड़ी हेल्प कर दी। चलो ठीक है, नवा सवाल, सही जवाब, चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब कोई लाइफ लाइन नहीं बेटा, अगर गेम नहीं आएगा तो वहीं छोड़ देना, 90 रुपए जीत चुकी हो, कितना जीती हो, अब हारोगी चले जाओगे 10 रुपए पर, सवाल नहीं आएगा तो छोड़ देना, क्या करना, कहना हम गेम को क्विट करना चाहते हैं, क्या बोलोगी, क्विट, आखिरी सवाल, सैकड़ा पति 100 रुपए के लिए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, 11 जुलाई, 12 जुलाई, 13 जुलाई, 14 जुलाई, सवाल नहीं आएगा छोड़ देना, अगर आ रहा होगा तभी खेलना। 12 जुलाई। 10 रुपए पे चली जाओगी, मैं पहले बात कह रहा हूँ, 90 रुपए जीत रही हो, 10 रुपए पे चली जाओगी, तो पहले समझदारी के साथ आप खेलिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, समय लो, धीरज रखो, कोई लाइफ लाइन नहीं है, गेम नहीं आएगा छोड़ देना,
कहते हैं आपको नहीं खेलना है, आपको 90 रुपये मिल रहा है, हम 90 रुपये में संतोष है, आपको 100 रुपये नहीं खेलिए, गलत होगा चले जाओगे 10 रुपये पर। जो सवाल अगर आ रहा है उसको खेल लो। विश्व जनसंख्या दिवस 11, 12, 13, 14 ग्यारह एक तरीके से जुआ आप खेल रहे हैं जी, क्योंकि विश्व जनसंख्या दिवस लॉक कर दे। लाइव लाइन नहीं बेटा, भाई कंप्यूटर महोदय, विश्व जनसंख्या दिवस हमको दोस्तों देना, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई लॉक किया जाए। बेटा आ गए तुम 10 रुपये, मैं कह रहा था मत खेलो, गलत हो गया। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को ही है। कौन क्या क्या बात है, बोलो डरना नहीं है, डरा दे रहे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, 100 रुपये आपकी गई है, अब 100 रुपये इनाम हमारे सर आपको देंगे। बहुत बढ़िया बेटा, डर डर खेली है लेकिन ठीक खेली है, ठीक बोल रहा।